हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस वाइट क्लासेस। मैं हूं सोनू और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास सिक्स का सबसे पहला चैप्टर, साइंस का सबसे पहला चैप्टर। और क्लास सिक्स वालों के लिए साइंस का सबसे पहला चैप्टर होने वाला है, क्योंकि क्लास फिफ्थ जो आपने पढ़ी है उसमें साइंस जैसा अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इन्वायरमेंटल स्टडी का एक बुक होता था जिसमें जो बहुत ईजी हुआ करती थी उसको पढ़ते थे हम आराम से, हमने फिफ्थ पास भी किया है। अब जब हम फिफ्थ पास कर चुके हैं, हम आ गए क्लास सिक्स में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ द बुक्स बढ़ जाती हैं, कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, बुक्स बड़ी आ जाती है, तो कुछ बच्चे इन्हें देखकर घबरा जाते हैं। तो बड़ी बड़ी किताबें जो हैं उन्हें देखकर घबराना नहीं है। किताबें बड़ी ज़रूर हो सकती हैं लेकिन उसके टॉपिक्स हमेशा आसान रहते हैं, और साइंस जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ईजी होता है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अब साइंस को सिर्फ एक सब्जेक्ट मानकर एक बुक्स के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, हम चैप्टर्स को रीड करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को हम रट के याद कर लेते हैं, उसके बाद हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। अगर इस तरीके से आप साइंस को पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़ना गलत है। इस तरीके से पढ़ी हुई चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं होगी। एंड नॉट इन द साइंस, इन एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइंस आपके आसपास होता है बेटा। साइंस अगर आप सिर्फ बुक्स में ढूंढते हैं तो बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, अपने आसपास जब तक आप ऑब्जर्वेशन करना नहीं सीखोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होने वाली है साइंस जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द साइंस अराउंड यू, ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, चीज़ों को देखना सीखिए अलग नज़रिए से, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि साइंस जैसा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है ना, यही वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की, क्लास सिक्स के सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है द फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। देखिए सबसे पहला चैप्टर ये बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है ना। स्टार्टिंग ही इसकी इतनी अच्छी है, फूड। फूड वो चीज़ है जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम अच्छे से देखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, लेकिन जब भी बात उसके बारे में कुछ लिखने की आती है हमारे दिमाग में कुछ भी कोई सेंटेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं ठीक से, हम पढ़ते नहीं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड को सबसे पहले हम क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि वॉट इज़ फूड। देखिए साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए और एक वर्ड को आप अपने माइंड में हमेशा फिट करके रखिए, वाई। कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर आपने इस वाई का आंसर सर्च करना सीख लिया, वाई को ढूंढना सीख लिया, तो आपने साइंस सीख ली। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें कोई सा भी डाउट अगर आपको आता है तो आप उसके बारे में हमेशा फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले जो हमारे टॉपिक का नेम है फूड, स्टार्टिंग ही फूड है, तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि फ़ूड एक्चुअल में होता क्या है, हम इसके बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम इसे सीधा खा क्यों नहीं जाते, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, अगर आप अपने मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करोगे तो साइंस जैसा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ फूड। देखिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में इसकी एक डेफिनेशन दी थी, और बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, साइंस में आपको हमेशा डेफिनेशंस लिखनी होती है, तो डेफिनेशंस को आप याद करना अब स्टार्ट कर दीजिए, अब तो टाइम आ गया है, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फूड, तो हम इसके बारे में एक लाइन में इसका हम आंसर देंगे सबसे ईजी। फूड इज़ एनीथिंग, फूड इज एनीथिंग दैट वी कैन ईट टू गेट एनर्जी। हर वो चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, हर वो चीज़ जो हमें डाइजेस्ट हो सकती है, हर वो चीज़ जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हम उस चीज़ को बोलते हैं फूड। ठीक है ना, पत्थर उठा के हम नहीं खा सकते तो पत्थर हमारे लिए फूड नहीं है, है ना। हम जो चीज़ें खा सकते हैं, जिन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं फूड। अच्छा, फूड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाई इट इज़ सो नेसेसरी, इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है इसके बारे में पढ़ना। देखिए सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती है। वो एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, और डाइजेशन चलता है, कुछ भी आप खाते हो तो वो डाइजेस्ट होता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है, एक्सक्रेशन सिस्टम चलता है, नर्वस सिस्टम काम करता है, तो इतने सारे सिस्टम्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। भाई साइंस का एक रूल होता है, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं हो सकता। तो अगर हमारी बॉडी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इनको होने के लिए भी एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, वो एनर्जी आएगी बाय ईटिंग द फूड। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी, अगर आप खाना ही नहीं खाओगे
तो एक्टिविटी करने के लिए पावर कहाँ से आएगी आपके पास, इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड नंबर पे आता है, देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे जैसे जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, है ना, हम देखिए ह्यूमन भी साइंस में एनिमल ही होता है, ठीक है। तो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं हम सब कोई ना कोई फूड खाते हैं, तो क्या हम सबका फूड सेम टाइप का होता है? चलिए जानवर की बात छोड़ दीजिए, हम पहले अपने आसपास के लोगों की बात करते हैं। क्या हम और हमारे फ्रेंड्स या जो भी हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो भी स्कूल में आपके फ्रेंड्स हैं, क्या वो सब एक ही जैसा खाना खाते हैं? नहीं, हम ये देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह का खाना खाता है। जैसे हमने सुबह नाश्ते में कुछ और खाया था, दिन के खाने में हम कुछ और खाते हैं, लंच कुछ और करते हैं, डिनर हम किसी और चीज़ का करते हैं, ठीक है ना। हम सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे हम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए मेरी बात छोड़िए, अब आसपास की बात करते हैं। मैंने लंच कुछ और किया है जबकि मेरे दोस्त ने कुछ और लंच किया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फूड में वेरिएशन बहुत सारा है ना। हम सेम टाइप का फूड कभी भी एक साथ नहीं खाते हैं, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है। कि इसके बारे में जान लीजिए एक बार, ये हमें 1.1 है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट वाले चैप्टर का फर्स्ट वाला टॉपिक है, ठीक है ना। जब हम सेकंड चैप्टर पर आएंगे तो यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। तो हमारे चैप्टर 1 का सबसे पहला वाला टॉपिक क्या होने वाला है, तो फूड वेराइटी। अभी हमने बात की थी कि हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, इसका मतलब हमारे फूड में वेरिएशन है, राइट। तो एक काम करते हैं, चलिए हमारे बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1, मतलब हमारे सबसे पहले चैप्टर की सबसे पहली एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या करना है, बहुत इजी काम है। एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आपको आपके किसी फ्रेंड का नाम लिखना है और उससे ये पूछना है कि उसने क्या खाया है, ठीक है ना। ऐसे 2-3 आपको फ्रेंड देखने हैं और उनका नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, वर्चुअल लिस्ट है। मेरा नाम है सोनू, नेम ऑफ फ्रेंड में लिखा है मैंने सोनू, और यहाँ पर मेरे फूड के बारे में लिखा है कि मैंने आज खाई है सब चपाती एंड सब्जी। और मेरा एक फ्रेंड है मोनू, जिसने खाया है राइस और दाल चावल। और मेरा एक दोस्त है मयंक, जिसने खाई है खीर। तो हम ये देखते हैं कि हम एक ही टाइम पे हम लोगों ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का खाना खाया था। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके बुक में सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आने वाला है जिसको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट, ठीक है। INGREDIENT, इंग्रेडिएंट। देखिए वर्ड्स बड़ी क्लास में आने के बाद वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग वही होता है जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बड़ी क्लास में आते हैं तो कुछ टिपिकल मीनिंग्स आ जाते हैं, उनमें से एक मीनिंग है इंग्रेडिएंट। एक्चुअल में इंग्रेडिएंट होता क्या है, देखिए जब भी हम किसी फूड को कुक करते हैं तो उस फूड को कुक करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन मटेरियल्स को ही इंग्लिश में बोला जाता है इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट कोई अलग से कोई पहाड़ नहीं है, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, ओके, द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग टू कुक समथिंग, दैट यू आर यूजिंग टू मेक समथिंग इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट। लाइक अगर हम यह बात करें खीर की, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ खीर, वी नीड मिल्क, वी नीड राइस, वी नीड शुगर, वी नीड ड्राई फ्रूट्स, और जो कुछ भी आप ऐड करें, तो ये चीज़ें जो आपने डाली है, जिसको मिलाकर आपने खीर बनाई है, ये मटेरियल्स एक्चुअल में क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंग्रेडिएंट, ओके। तो एक वर्ड, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अपना, व्हाट इज इंग्रेडिएंट, द इंग्रेडिएंट, चलिए लिख ही देते हैं इसको, द मटेरियल दैट यूज टू प्रिपेयर समथिंग, वो मटेरियल जो हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो मटेरियल जो हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट, ओके। जैसे कि अगर कोई पूछे कि जैसे चपाती का इंग्रेडिएंट क्या है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती, तो हम क्या बोलेंगे, व्हीट फ्लोर एंड वाटर, दीज आर टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती। इफ़ समवन आस्क्स व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सब्जी, जिस तरह जो सब्ज़ी आपने बनाई है, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो द इंग्रेडिएंट्स वुड बी आलू, है ना, पोटैटो, टमाटो एंड ऑयल एंड स्पाइसेस एंड मैनी मोर थिंग्स एंड ऑल्सो वाटर, पानी भी डाला जाता है उसमें, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है 1.2, द फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। देखिए मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि एक्चुअल में फूड सोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है ना। देखिए फूड सबकी ज़रूरत है, तो एक कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हमको फूड मिले, है ना, तो वो जगह जहाँ से हमको फूड मिलता है उसको हम बोलते हैं फूड सोर्सेज। तो एक बार अब मैं ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड की, तो हमारे पास फूड के 2 सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। पहला हमारे पास में फूड का सोर्स होता है और सबसे बड़ा सोर्स है प्लांट, और सेकेंड वाला सोर्स होता है हमारे पास में
एनिमल, है ना। देयर आर सम फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट एंड सम फूड दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल। सो देयर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ द फूड, है ना। फूड सोर्स यहाँ पे लिख देते हैं एक बार इसको। फूड सोर्स जो है वो टू टाइप का होता है, पहला होता है प्लांट सोर्स, दूसरा होता है एनिमल सोर्स। देखिए एक्चुअल में प्लांट सोर्स से मिलने वाले फूड क्या क्या है, प्लांट से मिलने वाले बहुत सारे फूड हैं जो हमको पहले से पता है, ठीक है। तो उनमें से हम क्या क्या लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रूट, वेजिटेबल, और क्या लिख सकते हैं स्पाइसेस, मसाले वगैरह हमें यहीं से मिलते हैं, इसके अलावा सीरियल्स, और इसके अलावा पल्सेस। और आपने सुना होगा मार्केट में एक वेजिटेबल ऑयल भी आता है, ठीक है ना, तो हमें ऑयल वगैरह भी यहीं से मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ऑल द मटेरियल दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट आर कॉल्ड द प्लांट फूड, लाइक द फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, सीरियल्स, पल्सेस एंड द ऑयल। अब यहाँ पर आता है एनिमल के बारे में। देखिए एनिमल फूड के बारे में लोगों को लगता है कि सिर्फ मांस ही वो प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से मिलता है, लेकिन ये गलत है। एनिमल से मिलने वाला वो सभी प्रोडक्ट जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं वो यहाँ पर इस कैटेगरी में फॉल होंगे, ठीक है ना। तो एनिमल से मिलने वाले फूड कौन कौन से हैं, देखिए हनी कहाँ से मिलता है आपको, बी से, हनी बी से, है ना, तो ये एक एनिमल फूड होगा। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं एग, एग के बारे में तो आपको याद ही होगा। थर्ड नंबर पे देखिए आप मिल्क, मिल्क भी क्या है, मिल्क भी एक तरह का एक एनिमल फूड है, क्यों, क्योंकि हमें ये एनिमल से मिलता है। फोर्थ नंबर पे हम और लिख सकते हैं मीट, ठीक है ना, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है ना। आगे इन चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, जैसे मिल्क को हम प्रोसेस करके, इसमें एल नहीं लिखा, मिल्क को हम प्रोसेस करके आगे हम घी बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, उसका बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहलाएंगे मिल्क प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअल में मिल्क भी क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। सो द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल आर कॉल्ड द एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.3, और उसमें एक बहुत छोटी सी एक टेबल दे रखी है बनाने के लिए। यहाँ पर हम उस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहीं हमारी टेबल में से हमें कुछ समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉलम दे रखा है फूड आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला फूड आइटम दे रखा है इडली, और इस इडली को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट पूछा है। अभी मैंने आपको बताया कि इंग्रेडिएंट क्या होता है, वो मटेरियल जो उस चीज़ को बनाने में लगा है। तो इडली को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगते हैं, राइस, राइट, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको गैस करना है कि इनका सोर्सेस क्या होगा। गैस करना बहुत इजी है, हमें मतलब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम आराम से गैस करके बता सकते हैं कि इनका सोर्सेस क्या है। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस, वी गेट राइस फ्रॉम द प्लांट, ओके। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ उड़द दाल, वी ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द प्लांट। द सोर्स ऑफ सॉल्ट, सी वाटर, समुद्र के पानी से मिलता है, है ना। एंड वाटर, देखिए वाटर आप कहीं से भी ले सकते हैं, टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं, घरों में टैप वाटर आता है, रिवर वाटर आता है, लेकिन वाटर का जो अल्टीमेट एक सोर्स है हमारे पास वो रेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, टैप वाटर या रेन वाटर, रेन वाटर डायरेक्ट काम में नहीं लेते हैं, टैप वाटर लिख देते हैं यहाँ पर, या रिवर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, या रिवर, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। सेकंड वाले का देखिए, ये फिर से खीर आ गया। सेकंड वाला है हमारे पास में खीर, खीर में सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है हमारे पास, दे रखा है मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से, तो मिल्क का सोर्स क्या हो गया, एनिमल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एनिमल। सेकंड नंबर पे राइस, राइस हमें मिलता है प्लांट से। और थर्ड नंबर पे आता है ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं प्लांट से। तो देखिए इट इज़ वेरी इजी टू गैस द सोर्सेस ऑफ सम फूड। हर तरह का फूड हमने देख रखा है, इसलिए हमें हर तरह के फूड के सोर्स के बारे में जानकारी है, और सुनने से भी हमें पता लग जाता है कि कौन सा फूड हमें एनिमल से मिला है और कौन सा फूड हमको प्लांट से मिला है। सो इट इज़ वेरी इजी टू गैस, एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट देयर आर सम कॉमन इंग्रेडिएंट। इसमें पानी डलता है, इसमें पानी डलता है, नमक डलता है, इसमें देखिए चावल वगैरह डलता है इसमें। सो देयर आर मैनी कॉमन इंग्रेडिएंट इन मैनी फूड मटेरियल्स। तो इस वजह से भी हमें पता पड़ जाता है कि एक ही तरह का जो इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग तरह के फूड मटेरियल में भी यूज़ होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें पता चला है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ द फूड, वन इज प्लांट सोर्स एंड द सेकंड इज एनिमल सोर्स. इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट सोर्सेज, व्हाट द फूड आइटम्स, व्हाट द फूड इंग्रेडिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट, दीज आर द वेजिटेबल्स, द फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट. एंड वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स आर लाइक एग्स, हनी, मीट एंड फिश. ऑल दीज थिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स. And like the milk, we get the milk from the cow, we get the milk from the buffalo, we use it and we use it to make the milk product further, like the ghee and curd, cheese, paneer. All these things are further made by processing the milk. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आती हैं एनिमल प्रोडक्ट में. हमारे हमने पहले 1.1 द फूड वेराइटी एंड 1.2 द फूड मटेरियल्स वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया था. आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है 1.3 द प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. मैंने कल बताया था कि हमारे पास प्लांट के फूड के दो सोर्स होते हैं, जिसमें प्लांट सोर्स हम ज़्यादा काम में लेते हैं. तो सबसे पहले हम प्लांट सोर्स के बारे में देखते हैं. तो उससे पहले हमें प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो प्लांट का देखिए, जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और ह्यूमन बॉडी में जैसे बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में भी दो सिस्टम होते हैं. प्लांट की पूरी बॉडी को हम पूरे दो सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहला देखिए, सबसे पहला वो सिस्टम होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है. आप समझ गए होंगे, ये वाला हिस्सा जो ग्राउंड के नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम. ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है. अब उस रूट सिस्टम में एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, रूट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है रूट, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर रूट भी दो तरह का है, एक है प्राइमरी रूट और एक है सेकेंडरी रूट. तो प्राइमरी रूट कौन सा है, प्राइमरी रूट वो रूट है जो स्टेम से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट. तो सेकेंडरी रूट क्या है, देखिए आप, इस प्राइमरी रूट के अंदर से जो रूट निकला हुआ है, ठीक है ना, जो प्राइमरी रूट के अंदर से रूट निकला हुआ है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है ना. तो मेन स्टेम जो होता है ना, स्टेम से जो डायरेक्ट कनेक्टेड वाला जो रूट वाला हिस्सा होता है, वो होता है हमारा प्राइमरी रूट. और उस प्राइमरी रूट की हेल्प करने के लिए उसमें से अंदर से जो रूट निकलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है. तो ये तो हो गया रूट वाला हिस्सा. अब चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना. तो जब आप ऊपर बढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टेम, है ना, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूट होता है. स्टेम के जब आप ऊपर चलोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, लीफ, है ना. लीफ के अगर आप ऊपर चलते हो तो आपको मिलेगा फ्लावर. फ्लावर के आप ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा फ्रूट. ऊपर से मतलब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, एक वन बाय वन अगर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं ना, तो ये इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. स्टेम जो होता है ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसमें आप देखिए दो चीज़ें आती है, एक तो होता है नोड और एक होता है बड, ठीक है ना. ये भी हम देखेंगे अभी, नोड और बड बहुत ईजी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है. देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम इसको एक स्टेम मानते हैं पूरा, तो इसमें से इस तरीके से ब्रांच निकली हुई होती है, ठीक है. तो ये जो हिस्सा है ब्रांच का, ठीक है ना, इस वाले ब्रांच वाले हिस्से को हम बोलते हैं नोड. और ये जो इसका जॉइंट होता है ना, ये यहाँ पर जो बिल्कुल जॉइंट होता है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं बड, ठीक है ना. एक जो मेन स्टेम होता है ना, ये देखो यहाँ पर जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, जैसे ये अगर एक स्टेम निकला हुआ है यहाँ से अगर एक ब्रांच निकल रही है, तो ये ब्रांच जो है जिस जगह से इस मेन स्टेम से कनेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं बड, ठीक है. और उस बड से जो हिस्सा निकलता है बाहर, उस हिस्से को हम बोलते हैं नोड, ठीक है ना. ये दो चीज़ें हो गई. इसके आगे आप देखिए, इसके आगे आएगा एक लीफ, ठीक है ना. लीफ को तो आपने देखा ही होगा, लीफ के आगे होता है फ्लावर और फ्लावर के आगे होता है फ्रूट. देखिए एक्चुअल में होता है ये है कि हम किसी भी प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है ना. हम किस ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक प्लांट है तो हम उस पूरे ही प्लांट को खा लेते हैं, हम उस प्लांट का कुछ हिस्सा खाते हैं. जैसे अगर हम आपको पता हो तो
ऐसे कुछ हिस्से होते हैं जिसके हम सिर्फ फ्रूट को खाते हैं। ऐसे कौन से हिस्से होते हैं जिसके हम सिर्फ फ्रूट को खाते हैं? कैरेट या रेडिश। अगर आप ऊपर चल के आते हैं स्टेम के पास, तो स्टेम ऐसे कौन सा प्लांट है जो हम जिसके सिर्फ स्टेम को खाते हैं? ठीक है ना। देखिए, प्लांट का वो हिस्सा जिसे हम खाते हैं उसको बोलते हैं हम ईडेबल पार्ट, है ना। तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं ताकि आपको याद भी हो जाएगा। तो स्टेम एज एन ईडेबल पार्ट कौन सा किस प्लांट का होता है? पोटैटो एक स्टेम होता है जिसको हम खाते हैं। जिंजर, गार्लिक, ये सब क्या है? ये किसी भी प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है। लीफ की बात करें, लीफ के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल स्पिनच है ना। स्पिनच एज ए लीफ हम यूज़ करते हैं। और स्पिनच के अलावा कैबेज, पत्ता गोभी, ये भी हम एक लीफ पार्ट ही होता है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए आप फ्लावर, फ्लावर में सबसे अच्छा है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी को हम यूज़ करते हैं जो कि एक फ्लावर वाला पार्ट है किसी प्लांट का। और उसके अलावा होती है ब्रोकली। ब्रोकली भी अगर हम देखें तो एक हरे कलर की गोभी होती है, वो भी फ्लावर वाले पार्ट होती है, ठीक है ना। पता नहीं जाने कहाँ मिलती है। और एक है फ्रूट, फ्रूट तो हम लोगों ने देखा ही है ना, सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है। जैसे आप देखिए बनाना है, एप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ग्वावा है, तो बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया प्लांट का। देखिए ग्राउंड के अंडर वाला पार्ट जो होता है जिसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आती है, वो होता है रूट सिस्टम। तो अपर वाले ग्राउंड के वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है ना। इस पूरे को हम बोलेंगे शूट सिस्टम, ठीक है ना। तो एक हो गया रूट, एक हो गया शूट। शूट में क्या क्या आएगा? फ्रूट, फ्लावर, लीफ एंड स्टेम, ये शूट वाले हिस्से होते हैं। रूट वाले सिस्टम में क्या आएगा? प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, एक्चुअल में दोनों मिलके एक रूट बनाते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। बहुत सी बार जब हम किसी प्लांट को प्लग करते हैं तो अगर उसकी प्राइमरी रूट टूट जाती है तो प्लांट फिर नहीं चल पाता, सेकेंडरी रूट टूट जाए तो वो फिर से ग्रो हो जाती है, ठीक है ना। IBLE, ईडेबल एक्चुअल में होता क्या है? द पार्ट दैट वी कैन ईट, ठीक है ना। एक वो हिस्सा जिसको हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं ईडेबल, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर देखिए, इसको हम नहीं खा सकते हैं तो ये ईडेबल नहीं है, इट इज़ नॉन ईडेबल, ठीक है ना। इसी की जगह गाजर हाथ में होता, कैरेट, तो कैरेट इज़ ईडेबल, हम उसको खा सकते हैं, ठीक है ना। अब एक प्लांट की पूरे की बात करें तो अभी जैसे एक एग्जांपल अपन ने कैरेट का लिया, तो कैरेट का ही देख लेते हैं। कैरेट एक्चुअल में क्या होता है? रूट होता है, राइट। तो मतलब इस पूरे के पूरे प्लांट का आप कौन सा वाला हिस्सा खा रहे हो? रूट, है ना। तो रूट इज़ अ ईडेबल पार्ट ऑफ द कैरेट, है ना। कैरेट इज़ एन ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, एंड इट इज़ रूट। अगर आपसे कोई बोले कि चलो आप एक काम करो इसकी लीफ खा लो, तो इसकी लीफ हम नहीं खा सकते हैं। चलो आप इसका स्टेम खा लो, नहीं खाएंगे हम इसका। व्हाई? बिकॉज द लीफ, द स्टेम, दीज आर नॉन ईडेबल पार्ट ऑफ दैट प्लांट, है ना। ईडेबल पार्ट मतलब वो हिस्सा जिसको हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं ईडेबल, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट टर्म और आई है हमारे पास में, जो कि बहुत सी बार क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है, स्प्राउट्स, है ना, SPROUT। अभी तक जो स्प्राउट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आया है वो ये पूछते हैं कि स्प्राउट कौन सा पार्ट है। स्प्राउट एक्चुअल में रूट पार्ट होता है, ठीक है ना। स्प्राउट्स आपने देखा होगा, जब चने को आप पानी में गला देते हो, चने को या मूंग की दाल को, तो उसमें से वाइट कलर का एक छोटा छोटा सा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकलता है ना, वो एक्चुअल में रूट होता है और उसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्राउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने बुक में देखिए आप कि एक एक्टिविटी दे रखी है और उस एक्टिविटी में हाउ टू मेक स्प्राउट को बता रखा है। तो उसको एक बार मैं सिंपल वर्ड में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है वो, मेरा मानना है चीज़ें सिंपल होनी चाहिए समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेक सम ड्राई ग्राम और मूंग सीड्स। सबसे पहले आप या तो चने की दाल या मूंग, जिस भी चीज़ का आपको स्प्राउट बनाना है वो ले लीजिए। वो कैसे होने चाहिए? ड्राई, सूखे हुए होने चाहिए अभी तो, ठीक है ना। पुट देम इन अ वेसल एंड फिल इट विथ वाटर। अब आप क्या कीजिए, एक वेसल लीजिए, उसमें आपने जो चना है उसको डालिए और उसमें आप डाल दीजिए पानी। जो जो काम हम कर रहे हैं हमें सिर्फ वही लाइन लिखनी है, एक्स्ट्रा कोई भी लाइन ऐड नहीं करनी है, चीज़ें अपने आप इजी हो जाएगी, ठीक है। तो पुट देम इन द वेसल एंड फिल इट विथ वाटर। अब क्या करना है आपको आगे? लिव इट फॉर वन डे, एक दिन के लिए गलने दो आप उसको,
सोख होने दो, गलने दो उसको एक दिन पूरा दिन भर अच्छे से, ठीक है ना। जैसे अगर आपने सुबह गला दिया आपने उसको, या रात को गलाना ठीक रहेगा, आपने रात को गला दिया, अब आप सुबह उठो, ठीक है ना। अब सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, ड्रेन द वाटर, उसके अंदर जो पानी है उस पानी को आप ड्रेन कर दो, बहा दो आप उस पानी को, निकाल दो, है ना। चने चने अलग कर दो और उसमें जो पानी था जिसमें गला रखा था उसको आप बाहर कर दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, टेक अ कॉटन वेट क्लोथ, एक गीला कॉटन का कपड़ा लीजिए आप, ठीक है ना, या कपड़ा लेके उसको गीला कर लो आप। अब आप क्या करो, पुट सॉक्ड सीड्स एंड क्लोथ, वो जो कपड़ा है गीला उसके अंदर उस गले हुए चने को या उस गले हुए मूंग को आप उसके अंदर डालो, ठीक है। आगे क्या करना है, इसको हैंग और कीप द क्लोथ इन एयरी प्लेस। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप उस कपड़े को किसी एक ऐसी जगह पर टांग दो जहाँ पर पानी जहाँ पर हवा अच्छी आ रही हो, ठीक है ना, हवा वाली जगह पर आप उसको टांग दीजिए। अब क्या करना है, आप उसको लीव इट फॉर अनदर डे, एक दिन के लिए और छोड़ दो, ठीक है ना। इसके बाद जब आप चेक करोगे, यू सी दैट अ वाइट स्ट्रक्चर, मेरी क्लास का नाम आ गया, वाइट स्ट्रक्चर वाइट स्ट्रक्चर इज जर्मिनेटेड फ्रॉम सीड्स, जो सीड्स हैं उनमें से हम देखेंगे कि वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है उसमें से निकल गया है, और वो वाइट कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्या है, इट इज कॉल्ड स्प्राउट, इट इज कॉल्ड स्प्राउट। और यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा के एक लाइन भी लिखी है, स्प्राउट्स आर द रूट पार्ट ऑफ सीड, स्टार लगाइए और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है स्प्राउट्स बनाना। हाँ, अगर कभी स्प्राउट्स नहीं बना तो आप क्या करो, कपड़े को निकालो, उन चनों को फिर से गलाओ, अगले दिन फिर टांग दो, बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी, देखिए एक छोटा सा हमारा एक प्रोसेस था स्प्राउट्स बनाने का, ठीक है ना, और ये तो समझ में आ ही गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, व्हाट डू एनिमल ईट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1.5, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल्स जो होते हैं एक्चुअल में खाते क्या हैं। कल देखिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी कि फूड एक्चुअल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर फूड नहीं होगा तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें प्लांट के बारे में तो पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे अभी आपके पॉइंट में आया नहीं है, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके ही खाना खाते हैं, ठीक है ना। और एनिमल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या खाते हैं, किस तरीके से उनका पेट भरता है, हाउ डू दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रूट। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हर एनिमल का फूड एक टाइप का नहीं होता है, है ना। हर एनिमल अपने हिसाब से अलग अलग तरह का फूड को एक्सेप्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक फूड अगर हम दूसरे एनिमल को देते हैं तो उसको नहीं खाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, ऑन द बेसिस ऑन देयर फूड ऑल टाइप ऑफ द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर एंड ओमनिवोर्स। ये तीन तरह की कैटेगरी होती है जिसमें हर तरह के एनिमल को रखा जा सकता है, और ये कैटेगरी बनी है। इसका बेसिस क्या है, बेसिस द टाइप ऑफ द फूड दैट दे ईट, ठीक है ना। जिस तरह का फूड ये खाते हैं उसी तरह उस फूड को ही बेस रखकर इनकी कैटेगरी बनाई गई है। तो सबसे पहले हमारे पॉइंट आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, द एनिमल्स
दैट इट प्लांट प्लांट्स एज फूड, ठीक है ना। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको बोलते हैं शाकाहारी, मतलब शाक खाने वाले। इंग्लिश में होगा हर्बीवोर्स, मतलब हर्ब्स खाने वाले, ठीक है ना। तो द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एज अ फूड, ठीक है ना। ये सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं हमारे एक फूड के रूप में, ठीक है ना, दूसरी चीज़ को नहीं खाते हैं। और जब भी आप साइंस में एक चीज़ ध्यान रखिए, वैसे आपसे लोग सिक्स क्लास में आए हैं अभी तो आपको ध्यान नहीं होगा, हमेशा आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। बहुत सी बार होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं आती तो एग्जाम्पल से याद आ जाती है, या अगर आप चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्जाम्पल लिखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल हमेशा लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका हम एग्ज़ाम्पल क्या लिख सकते हैं, काऊ गाय हमारी माता है, ठीक है ना। बफेलो बफेलो शिप डियर, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपको याद आ जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला था। सेकंड वाले कैटेगरी क्या है, कार्निवोर्स, ठीक है ना। कार्निवोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है डेफिनेशन का वो हम सेम रखेंगे, ठीक है ना, ताकि एक ही डेफिनेशन से सारी याद हो जाए। द एनिमल्स दैट ईट अदर्स एनिमल एज फूड, ठीक है ना। ये होते हैं खतरनाक वाले जानवर, ठीक है ना। द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स एज फूड, ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ही भोजन के रूप में खा जाते हैं, शिकार करते हैं उनका, ठीक है ना। जब इन्हें भूख लगती है तो घास नहीं खाते हैं, ये प्लांट नहीं खाते हैं, ये क्या खाएंगे, ये किसी दूसरे को मार के खाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ना, अधिकतम वाइल्ड एनिमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए जंगल नहीं जाते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में सबसे पहले वही लायन टाइगर, ठीक है ना, ये आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। कम से कम दो एग्जाम्पल हमेशा लिखना है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे ओमनीवोर्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हमारे डेफिनेशन की यही रखेंगे हम सेम, इसमें हम लिखेंगे द एनिमल्स दैट ईट बोथ, ठीक है ना, प्लांट एंड अदर एनिमल प्लांट एंड अदर एनिमल एज फूड। और इसका जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इसका लिखिए पहले, सबसे पहले खुद ह्यूमंस। ह्यूमंस ओमनीवोर्स में आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे आप सिर्फ प्लांट खाते हो या सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हो, ये आपकी चॉइस होती है, बट साइंस ने ह्यूमंस को कैटेगराइज किया है ओमनीवोर एनिमल के रूप में। इसका मतलब ह्यूमन जो होते हैं वो अपने फूड में प्लांट भी खाते हैं और अदर एनिमल को भी वो खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन को हमेशा हम कैटेगराइज करेंगे ओमनीवोर्स में। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसका, क्रो कौआ, श्राद्ध के टाइम पे हम इसको खीर खिलाते खा जाता है, बाकी टाइम पे चूहे वगैरह भी मार के खा जाता है, ठीक है ना। और एक लोमड़ी और कौवे की कहानी तो सुनी होगी आप लोगों ने, है ना। कौआ कहीं से रोटी लेकर आता है, क्यों लेकर आता है रोटी, क्योंकि वो रोटी भी खा सकता है, ठीक है ना। और कौवे को हमने बहुत सी बार देखा होगा, एनिमल्स जो होते हैं उन्हें भी, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको भी वो पकड़ के ले जाता है, ठीक है ना। तो कौवा भी हमारे ओमनीवोर्स में आता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर पूरा हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर को पूरा होने के बाद हमेशा चैप्टर के पीछे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं। अब देखिए आप कीवर्ड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जब हम एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब हो गया जिसको सुन के आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहीं पर गए और कोई व्यक्ति हमसे कोई बात बोल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रही है, बट सडनली हमने सुना वाटर, तो हमें समझ में आ जाता है कि यार ये पानी मांग रहा है। तो हमें पूरी लाइन समझने के बजाय एक वर्ड सुन के हमें उसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं कीवर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारी बुक में से ही आए हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ कोर्स नहीं आता। तो सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास में इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट के बारे में हमने कल ही पढ़ा था। इंग्रेडिएंट एक्चुअल में क्या होता है, द मटेरियल्स दैट वी नीड टू मेक समथिंग, वो मटेरियल जो हमें किसी दूसरी चीज़ को बनाने में चाहिए,
ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आप रोटी बना रहे हो तो आपका इंग्रेडिएंट क्या है, आपका इंग्रेडिएंट हो जाएगा आपका इंग्रेडिएंट हो जाएगा गेहूं का आटा, वेट फ्लोर एंड वाटर, ये हमारा इंग्रेडिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है, इसने क्या दे रखा है, एडिबल। अभी हमने पढ़ा द पार्ट दैट कैन बी ईटन, वो हिस्सा जो हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं एडिबल। ये देखिए एक नेक्टर, नेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, ये एक फ्लावर का हिस्सा होता है, एक फ्लावर का पार्ट है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट होता है ये देखिए, द जूसी पार्ट, द जूस ऑफ फ्लावर, फूलों का रस, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं नेक्टर। ये जो मधुमक्खियाँ आती हैं, तितली आती है, फूलों पर बैठती हैं तो वो कुछ चूसती है, क्या चूसती है, फूलों में से कुछ निकलता ही नहीं है, आपको नहीं दिखता है, उनके लिए निकलता है, वो फूलों का रस चूसती है, ठीक है ना, उस फूल के रस को बोलते हैं नेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए आप, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है ना, स्प्राउटेड सीड्स मतलब हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड सीड्स, ठीक है ना। ऐसे सीड्स जिनमें स्प्राउट्स निकल गए हैं, ऐसे सीड्स जिनमें जर्मिनेशन हो गया है उसको हम बोलते हैं जर्मिनेटेड या स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है ना। हर्बीवोर्स, ये देखिए बहुत ईजी वाला आया है, द एनिमल, ये एक्चुअल में एनिमल ही होते हैं, सो द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एज फूड, ठीक है ना। कॉर्निवोर में हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप कभी भी स्ट्रक्चर एक ही रखिए, है ना, द एनिमल दैट ईट अदर एनिमल, अदर एनिमल्स एज फूड। और सबसे लास्ट वाले में आप देखिए आया है ओमनीवोर्स, ठीक है ना, द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स जो दोनों हो को ही खा सकते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट को भी खा सकते हैं और वो दूसरे एनिमल्स को भी अपने फूड के रूप में खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो हम देखें यहाँ पर बुक में, हम देखते हैं कि सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई होती हैं, तो हम उन एक्टिविटीज़ को भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हमारी बुक में देखिए आप, सबसे पहले जो एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी वन, ठीक है ना, ये रही हमारे पास पे बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन है, एक्टिविटी वन, व्हाट डू वी ईट। बहुत इजी है बेटा, इसमें बनाना हमको कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा काम हमने अपने मन के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसने हमसे पूछा है, देखिए सबसे पहले टेबल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, किन्हीं भी आपके दो स्टूडेंट, किन्हीं भी आपके दो दोस्तों के नाम आपको लिखने हैं, दो तीन जितने भी आप नाम इसमें लिखना चाहो। तो जैसे मैंने लिखा है, मेरे एक दोस्त का नाम है राहुल और मेरे एक फ्रेंड का नाम है नेहा, तो मैंने यहाँ पर इनका नाम लिखा है। और इसके बाद अगले वाले टेबल में हमसे पूछ रहा है फूड आइटम दैट दे ईट, वो फूड आइटम जो इन्होंने खाया है, तो इनसे एक बार पूछ लीजिए जो भी इन्होंने खाया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, राहुल ने खाई है चपाती, पल्सेस एंड सलाद, इसका मतलब दाल रोटी और सलाद, और नेहा ने खाई है यहाँ पर दाल बाटी और चूरमा। इस तरीके से हमारी सबसे पहले वाली एक्टिविटी, सबसे पहले वाली टेबल हमारी सॉल्व यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट वाले टेबल में क्या दे रखा है। देखो बेटा, हमारे पास में जो सेकंड वाली एक्टिविटी है, टेबल 1.2, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट, इसमें दो कॉलम तो इन्होंने सॉल्व करके दे रखे हैं, ठीक है ना। टेबल थोड़ी सी सॉल्व करके इसलिए दी जाती है ताकि आपको आगे आने वाले चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर लिखा हुआ है फूड आइटम, फूड आइटम में लिखा है रोटी, रोटी है जिसको चपाती भी बोलते हैं कहीं जगह पर, और वहाँ पे उसका इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है आटा एंड वाटर। सेकंड नंबर पे लिखा है दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, जो भी चीज़ इसमें डलती है वो इसमें इंग्रेडिएंट में लिखी हुई है, और एक कॉलम हमारे लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उस एक कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं, एक कॉलम में कोई सा भी फूड आइटम हमको लिखना है और उसको बनाने में क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा है खीर, खीर फेवरेट है, तो यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था इंग्रेडिएंट एक्चुअल में क्या होते हैं, वो फूड आइटम्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी फूड को कुक करने में डाले जाते हैं, ठीक है। तो आप नहीं याद है तो आपकी मम्मी से या इनकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे। खीर, खीर में आपको क्या क्या लगता है, उसमें मिल्क लगेगा तो मिल्क इसका इंग्रेडिएंट है, राइस होगा इसमें तो राइस भी इसका इंग्रेडिएंट हो जाएगा, शुगर,
एंड ड्राई फ्रूट्स। ये चीज़ें जब आप मिला देंगे तो आपकी खीर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फूड आइटम में हमने लिखा है खीर, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट में हमने लिखा है मिल्क, राइस, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सेकंड वाली एक्टिविटी की टेबल 1.2 भी कंप्लीट होती है। देखिए बेटा, अगली एक्टिविटी हमारे पास में आती है एक्टिविटी 3, टेबल 1.3, द इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। ठीक है ना, ये थोड़ी सी बड़ी टेबल है, इसमें हमसे एक ही टेबल में तीन तरह की डिटेल मांगी गई है। सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला कॉलम हमारे पास में है फूड आइटम, सेकेंड वाला कॉलम है इंग्रेडिएंट, एंड थर्ड वाला हमारे पास में कॉलम है हमारा सोर्सेज। फूड आइटम तो हम समझते हैं, जिस फूड के बारे में हम लिख रहे हैं हमको उसका नाम लिखना है। उस फूड आइटम को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो आपको सेकंड वाले कॉलम में लिखना है, और इन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर थर्ड वाले में लिखना है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रीन कलर से, ये आपकी बुक में ऑलरेडी फिल है, उसके बाद जो छूटा हुआ है उसको हमको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फूड आइटम में दिया हुआ है इडली। ठीक है ना, इडली वैसे देखा जाए तो साउथ का फूड है, एक काफ़ी टेस्टी होता है ना, तो इडली के बारे में हम देखेंगे अभी। यहाँ पर इंग्रेडिएंट में देखिए उसमें क्या क्या डलता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें डलती होगी बट मेनली यही आइटम होते हैं। ठीक है ना, अब राइस जो लिखा हुआ है, इस राइस का एक्चुअल में सोर्स क्या है, हम देखते हैं कि सोर्स हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक एनिमल सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं जो कि यहाँ पर आएंगे अभी, तो इनको बस हमको लिखना है कि ये प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, या फिर ये किस चीज़ से हमको मिले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे राइस, राइस हमको मिलता है प्लांट से जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उड़द दाल, तो उड़द दाल का सोर्स क्या है, उड़द दाल का सोर्स भी है एक प्लांट, ये भी एक प्लांट फूड होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है सॉल्ट, सॉल्ट एक्चुअल में हमको कहाँ से मिलता है, अगर आपको याद हो तो सॉल्ट पहले जो सी वाटर होता है उसको सुखाया जाता है। ठीक है ना, और ड्राई करने के बाद हमको सॉल्ट मिलता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्ट का सोर्स हम सी वाटर। ठीक है, नेचुरल सोर्स में आएगा ये। और फोर नंबर पे होता है वाटर, देखिए वाटर का सबसे मेन सोर्स जो माना जाता है अपने अर्थ के ऊपर वो माना जाता है रेन। ठीक है ना, बारिश होती है फिर वही पानी जमीन पर आता है, वही पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर होता है, फिर उसे हम बाहर निकालते हैं कुएं के रूप में या फिर ट्यूबवेल के रूप में, या फिर वही पानी जब नदी में जाता है तो फिर वाटर टैप के थ्रू हमारे घर पर आता है। तो एक्चुअल में जो मेन सोर्स होता है वो रेन वाटर होता है। तो यहाँ पर आप जो भी वाटर आप यूज़ करते हो, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मेरे घर पे नल का पानी आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टैप वाटर, अगर आप नदी का पानी यूज़ करते हो तो रिवर वाटर लिखिए। ठीक है ना, वाटर, टैप वाटर, ये हमारे इसका सोर्स हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला वाला कंप्लीट हुआ। इसी टेबल में जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में सेकंड वाला इसमें दे रखा हुआ है चिकन कड़ी। ठीक है ना, चिकन कड़ी हमारा फूड आइटम है यहाँ पर, और चिकन कड़ी बनाने में क्या क्या आइटम्स लगेंगे वो हो जाएंगे हमारे इंग्रेडिएंट। तो इसमें सबसे पहला आइटम हमें जो चाहिए होगा वो होगा चिकन। ठीक है ना, और चिकन का अगर हम सोर्स लिखेंगे तो वो एक एनिमल सोर्स है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखिए स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है बेटा मसाले। ठीक है ना, मसाले का सोर्स हमारे पास में क्या होता है, मसाले हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम स्पाइसेस के सोर्स में हम लिखेंगे प्लांट। ठीक है बेटा, थर्ड नंबर पे आएगा ऑयल या घी। देखिए अगर आप घी यूज कर रहे हैं तो घी यहाँ पर आपको मिलता है एनिमल से, क्योंकि घी एक एनिमल सोर्स से हमको मिलता है, एनिमल फूड होता है। और अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो तो ऑयल हमको मिलता है प्लांट से। तो यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हैं स्लैश लगा कर, इसीलिए बुक में दोनों दिया हुआ है, या कंफ्यूज नहीं हो आप। और फोर नंबर पे दिया हुआ है वाटर, वाटर फिर से वही वाटर, देखो हर जगह हर सब्जी में डलता है, तो वाटर के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, वही मेरे घर पर नल का पानी आता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टैप। ठीक है ना, नल से हमको पानी मिला है या फिर नदी से या कुएं से या ट्यूबवेल या जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए बेटा थर्ड नंबर पे हमारे इसमें दिया हुआ है खीर। ठीक है ना, खीर बहुत स्वादिष्ट लगता है, और खीर के बारे में हम बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लिखने होते हमको उसमें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए खीर। तो फूड आइटम में लिखा हुआ है खीर, इसके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है मिल्क, राइस एंड शुगर। ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं बट बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। मिल्क का सोर्स क्या होता है, मिल्क बेटा हमको मिलता है एनिमल से। ठीक है ना, तो मिल्क का हम यहाँ पर सोर्स लिखेंगे एनिमल। ठीक है, सेकंड है राइस, राइस हमको मिलता है प्लांट से, तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे प्लांट। और थर्ड नंबर पे होता है शुगर, शुगर भी देखिए शुगर बनता है शुगर केन जूस से, और शुगर केन क्या है, एक प्लांट है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बारे में भी लिखेंगे कि ये एक प्लांट सोर्स से मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 3 की टेबल 1.3 द इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज भी कंप्लीट होता। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 1.4 प्लांट पार्ट एज फूड। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास में इस टेबल में तीन तरह कॉलम है। फर्स्ट वाला कॉलम है फूड आइटम्स विद अ प्लांट एज द मेजर सोर्सेस, सेकंड वाला कॉलम है हमारे पास में इंग्रेडिएंट, और थर्ड वाला कॉलम है हमारे पास में प्लांट पार्ट। ठीक है ना, ये हमारा मेन पार्ट है जिसको हमको फिल करना है, ये ऑलरेडी हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए उसने पूछा है कि आप कौन से वाले फूड आइटम के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या वेजिटेबल, सब्जी हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो सब्जी बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पी, टोमेटो, टर्मरिक, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, लेकिन अभी हम इतना ही करेंगे इनके बारे में। पोटैटो देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो पोटैटो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्टेम होता है। ठीक है, तो पोटैटो के लिए हम इसका प्लांट पार्ट लिखेंगे, स्टेम। जिस पोटैटो को हम खाते हैं वो पूरे प्लांट में से कौन सा पार्ट होता है उसका, वो पोटैटो जो हम खाते हैं वो स्टेम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर तो कॉलीफ्लावर, इसमें देखिए पीछे फ्लावर आ रहा है तो इसमें याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये फ्लावर वाला पार्ट है। ठीक है, थर्ड वाला है पी, ये एक्चुअल में सीड होता है। ठीक है ना, बीज होता है मतलब। टोमेटो, टोमेटो देखिए कौन सा पार्ट होता है, ये एक प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट दे रखा है इसने टर्मरिक, टर्मरिक आपने देखी हो, वैसे तो हम पाउडर इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये खड़ी हल्दी मिलती है तो आप देखना इसको कि ये देखने में अदरक जैसे लगती है। ठीक है ना, खड़ी हल्दी अगर आप किसी मार्केट से लेकर आएंगे तो आपको देखकर समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है स्टेम। ठीक है, और ऑयल, ऑयल देखिए एक्चुअल में आपको कहाँ से मिलता है, ऑयल आपको मिलता है उनके सीड से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऑयल के लिए लिख सकते हैं सीड। ठीक है ना, बस तो ये हमारी ये वाली जो टेबल थी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, दो चीज़ें पूछी थी यहाँ पर, सेकंड वाली हम यहाँ पर चीज़ लिख सकते हैं, देखिए बाटी हमारे राजस्थान का फेमस फूड भी है, इस वजह से हम यहाँ पर बाटी के बारे में लिखेंगे। बाटी, बाटी के इंग्रेडिएंट बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ आटे की ज़रूरत पड़ती है, और आटे में हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए व्हीट फ्लोर के अंदर हम थोड़ा सा ग्राम फ्लोर भी यूज़ करते हैं। व्हीट मतलब गेहूँ का आटा, ग्राम फ्लोर मतलब चने का आटा। अब देखिए जो व्हीट होता है वो सीरियल वाला हिस्सा होता है, सीरियल होता है, और जो ग्राम होता है वो पल्सेस में आता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो सीरियल और पल्सेस किसी प्लांट के सीड वाले पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें प्लांट पार्ट में लिखना पड़ेगा सीड। ठीक है ना, इन दोनों में आएगा सीड। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी ये वाली टेबल भी कंप्लीट होती है। देखिए बेटा हमारे पास में नेक्स्ट वाली टेबल आती है, टेबल 1.5 द एनिमल एंड देयर फूड। ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द फूड सोर्सेस वी कैन सेपरेट द एनिमल्स इनटू द थ्री कैटेगरीज, ओमनीवोर्स, कॉर्निवोर एंड हर्बीवोर। ठीक है ना, तो इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से हमको ये पता करना होता है कि एक्चुअल में इनका फूड क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए इतने सारे जो एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, हमको बस ये लिखना है कि वो फूड एंड द अदर एनिमल्स जो भी वो ईट करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में दे रखा है रैट। ठीक है ना, चूहा हम सबके घर में होता है, बहुत परेशान भी करता है। तो यहाँ पर रैट का फूड क्या होता है, वो ग्रेन्स भी खाता है, ठीक है, सीड भी खाता है, नट्स और फ्लैश, अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके फ्लैशेस वगैरह को भी वो खाता है। फ्लैश का मतलब होता है मांस, ठीक है ना, मांस, इसको फ्लैश बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है लॉयन। लॉयन देखिए आपको पता हो कि वो एक कॉर्निवोरस एनिमल होता है, तो जो भी कॉर्निवोर एनिमल होता है वो हर्ब्स वगैरह तो खाएगा नहीं, ठीक है ना। तो जो भी कॉर्निवोर एनिमल होता है उसके बारे में हम सिर्फ एक चीज़ लिखेंगे, फ्लैश, फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। अगर आपको बड़ा करके लिखना है तो फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, और अगर छोटा लिखना है तो आप लिखेंगे फ्लैश। ठीक है, तो लॉयन के आगे हम लिखेंगे फ्लैश, क्यों, क्योंकि ये एक कॉर्निवोर एनिमल है। नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर भी एक कॉर्निवोर एनिमल है, तो इसके आगे भी हम लिखेंगे फ्लैश। ठीक है ना, टी लिख दिया इसके आगे मैंने गलती से, तो एच आएगा। नेक्स्ट देखिए स्पाइडर, स्पाइडर को अगर आपने देखा है तो वो जो होती है एक कॉब वेब बनाती है, ठीक है ना, एक जाली बनाती है, मकड़ी का जाल, और जाल के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट आकर फंस जाते हैं। ठीक है ना, फंसने के बाद वो निकल नहीं पाते, वहीं मर जाते हैं, और उन छोटे इंसेक्ट को ही स्पाइडर खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पाइडर के लिए लिखेंगे स्मॉल इंसेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा हाउस लिजर्ड, जो घर की दीवारों पर जो छिपकली लगी हुई होती है ना, लगी क्या होती है, छिपकली रहती है, तो वो हाउस लिजर्ड हमने देखा होगा एक्चुअल में क्या करती है, छोटे छोटे इंसेक्ट को वो खा जाती है। ठीक है ना, तो हाउस लिजर्ड के फूड में हम लिखेंगे इंसेक्ट। काऊ, सबसे सीधा प्राणी, ठीक है ना, काऊ। यहाँ पर आप देखिए काऊ को आप अधिकतम देखते हैं वो ग्रास खाती है, घास वगैरह खाती है, उसके अलावा वो ग्रेन्स भी खा लेती है, कभी घर पर अगर आप आती है तो रोटी वगैरह दो तो वो भी खा लेती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रास, ग्रेन्स एंड रोटी। ह्यूमन बींग,
ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखना बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन किस में आता है, ह्यूमन आता है ओमनिवोर्स एनिमल में, मतलब वो प्लांट सोर्स भी यूज़ करता है और फूड एनिमल सोर्स भी यूज़ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड, ठीक है ना। प्लांट एज अ फूड भी वो एक्सेप्ट करते हैं और एनिमल एज अ फूड भी ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को जब आपने देखा होगा, तितली को उड़ते उड़ते जाती है और किसी फ्लावर के ऊपर बैठने के बाद में थोड़ी देर बैठती है, उसके बाद वहाँ से उड़ जाती है। हमको नज़र नहीं आता है लेकिन उस फ्लावर में से वो उसके रस को चूसती है, ठीक है ना। तो फ्लावर का जो रस होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। तो उसी नेक्टर को वो यूज़ करती है, तो बटरफ्लाई का फूड एक्चुअल में क्या हो जाएगा, नेक्टर। और लास्ट आ जाता है क्रो, ठीक है ना। क्रो के बारे में हमको पता है ये एक ओमनिवोर एनिमल होता है, तो ये भी हर चीज़ खाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल ग्रेन्स, जितने भी तरह के आप दाने उसको डालोगे, जो भी ग्रेन्स आप उसको दोगे वो खा लेगा। एंड फ्लैश, मांस वगैरह भी वो खाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी जो टेबल है 1.5 ये कंप्लीट होती है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट टेबल 1.6, द कैटेगरीज ऑफ द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। इसमें हमें एनिमल्स को तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करना है और उनके एग्जांपल लिखने हैं। सबसे पहला वाला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं सिर्फ प्लांट को। सेकंड वाले होते हैं कार्निवोर, जो कि सिर्फ अदर एनिमल्स के फ्लैशेस को यूज़ करते हैं, खाते हैं उनको। और थर्ड वाले होते हैं ओमनिवोर्स, मतलब जो दोनों खाते हैं, दोनों से मतलब जो प्लांट भी यूज़ करते हैं और जो एनिमल भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लिखा है लेकिन आप अपने हिसाब से दूसरे भी जानवर लिख सकते हैं। यहाँ पर हर्बीवोर्स में सबसे पहला नंबर पे लिखा है मैंने काऊ, सेकंड है बफेलो, थर्ड है डियर, फोर है हमिंग बर्ड और फिफ्थ नंबर पे है गॉट, ठीक है ना। काऊ, बफेलो, डियर, हमिंग बर्ड एंड गॉट। सेकंड नंबर पे आप देखिए कार्निवोर एनिमल में, कार्निवोर में सबसे पहला है लॉयन, सेकंड है टाइगर, थर्ड है बियर, फोर है वुल्फ एंड फिफ्थ है फ्रॉग। ओमनिवोर एनिमल में देखिए सबसे पहले लिखा है बियर, क्रो, ह्यूमन, पीकॉक एंड स्पैरो, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए बियर है, यहाँ पर दोनों कैटेगरीज में आया हुआ है, कार्निवोर और ओमनिवोर। यहाँ पर देखिए इसको हम बियर को हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बियर जो होता है कार्निवोर होता है, अदर एनिमल्स को तो वो यूज़ करता है ये फ्लैशेस में, लेकिन वो साथ ही में कभी कभी फूड रिसोर्सेज में प्लांट को भी यूज़ कर लेता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको कार्निवोर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी टेबल में, सॉरी हमारी बुक में जितनी बुक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, वो सारी की सारी खत्म होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक का सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, डू यू फाइंड दैट द ऑल लिविंग बींग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी तरह के लिविंग बींग्स होते हैं उन सबको एक ही तरह का फूड चाहिए होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी एनिमल्स को हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स में हम कभी भी इनको कैटेगराइज नहीं करते, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू यू फाइंड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे नो, ठीक है ना। तो आंसर हम यहाँ पर देखते हैं इसका, हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे नो, डिफरेंट living being need different food। नहीं, अलग अलग तरह के animals को, अलग अलग तरह के living being को अलग अलग food की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। आगे हम इसमें लिखेंगे plant make food by photosynthesis, some animals eat plant, some eat other animals and some eat both the प्लांट एंड अदर एनिमल, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर देखिए, अगर आप चाहें तो एक छोटी सी लाइन में भी दे सकते हैं, और आंसर को अगर आप थोड़ा सा लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा। तो आंसर आप हमेशा इजी लिखिए, उसकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखिए। साइंस में देखो एक बेटा, एक बात ध्यान रखना हमेशा,
हर क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने जो पूछा है, किसी बच्चे के दिमाग में उसका अलग आंसर आ सकता है, किसी के दिमाग में उसका अलग आंसर आ सकता है, ठीक है ना। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपका आंसर सही या गलत बस इस पैमाने पर सही होना चाहिए, ठीक है ना। जब हम बुक को रीड करते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लेवल से होती है, ठीक है ना। तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को अलग अलग बच्चे अपनी तरह से अलग अलग आंसर उसका दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर पढ़ने के बाद अगर आपका मैटर सही है, अगर आप वही चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हो जो बुक में दे रखी है, वही चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हो जो सही है, तो आपका आंसर सही है, ठीक है ना। गाइड में क्या होता है, गाइड में वो अपने हिसाब से एक आंसर दे देते हैं और आप उसी को रटने लग जाते हो, कोई दूसरा आंसर आप याद ही नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ गाइड यूज़ मत करो, आप बुक यूज़ करो, बुक को पढ़ो और बुक के हिसाब से आप अपना आंसर खुद बनाइए। आंसर जब आप खुद बनाओगे तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपनी बनाई हुई चीज़ को कौन याद करता है ना। तो आंसर आप खुद याद करो ताकि आपको रटना नहीं पड़े। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमने लिखा है नो द डिफरेंट लिविंग बींग नीड डिफरेंट फूड। अलग अलग तरह के लिविंग बींग को अलग अलग तरह की फूड की जरूरत पड़ती है। प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट, कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, हर्बीवोर, ठीक है। सम ईट अदर एनिमल्स, कुछ वो होते हैं जो दूसरे अदर एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोर, ठीक है। एंड सम ईट बोथ, और कुछ वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, ठीक है ना, प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, नेम द फाइव प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। आपको ऐसे पांच प्लांट के नाम लिखने हैं जिन्हें हम खाते हैं और वो भी लिखना है कि उनका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। किसी भी एक प्लांट के मेन पांच पार्ट होते हैं, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में पहले से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सबसे पहला वाला जो हम स्टार्ट करते हैं नीचे नीचे से, सबसे पहला वाला पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का रूट, ठीक है ना। ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसका हम रूट एज अ फूड यूज़ करते हैं, याद कीजिए, कैरेट, ठीक है ना। कैरेट जो होता है वो रूट पार्ट होता है। सेकंड नंबर पे आप देखिए, रूट से जब आप ऊपर आते हैं तो आपको मिलता है स्टेम, ठीक है ना। एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसका हम स्टेम यूज़ करते हैं, वही जो सभी सब्जियों के साथ डाला जाता है, पोटैटो, ठीक है ना। रूट हो गया, स्टेम हो गया, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन भी कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आता है स्टेम के बाद लीफ। एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसका लीफ हम यूज़ करते हैं, स्पिनच या कैबेज, कैबेज लिख देते हैं, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, पत्ते के बारे में ही है। फोर नंबर पे आएगा क्या, आप अपने पास में क्या बचा, रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया, फ्लावर जब हम यूज़ करते हैं, कॉलीफ्लावर, गोभी, फूल गोभी और फ्रूट सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है अपना। तो फ्रूट में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रूट तो बहुत सारे तरह के होते हैं लेकिन यहाँ पर हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो मैं लिखूँगा टोमेटो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। आप जब इसको लिखेंगे तो टेबल के थ्रू लिखना, यहाँ वीडियो में नहीं आएगा इस वजह से मैंने इसको सीधा लिख दिया है, लेकिन आप जब भी इन चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे तो आप टेबल में करोगे। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए हमने लिखा है रूट, रूट में लिखा है इसका एग्जाम्पल कैरेट, स्टेम में लिखा है पोटैटो, लीफ में लिखा है कैबेज, फ्लावर में लिखा है हमने कॉलीफ्लावर और फ्रूट में लिखा है हमने यहाँ पर टमाटो, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर थ्री, वो हमारी बुक के पास में देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर, आपको इस टेबल में क्या करना है, मैच करना है। देखो बेटा, हो सकता है फिफ्थ क्लास में आपने इस तरह के सवाल नहीं किए हों, ठीक है ना। मैच में क्या होता है, दो तरह के कॉलम होते हैं, एक कॉलम ए कॉलम बी, तो आपको कॉलम ए से कॉलम बी वाले के राइट आंसर को मैच करना होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम ए विद द कॉलम बी, कॉलम ए वाले आइटम को कॉलम बी वाले आइटम के साथ में मैच करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए दे रखा है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। कॉलम ए में सबसे पहले नंबर वाला है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ठीक है ना। इसको आपको मैच करना है कॉलम बी वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, कॉलम बी का जो सबसे लास्ट वाला है चौथे नंबर पे, ऑल आर एनिमल्स प्रोडक्ट, ये इसके साथ में मैच होगा, ठीक है ना। मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी कॉलम ए, इसको कॉलम बी वाले से हम मैच करेंगे
आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, इसको सुनने के बाद हो सकता है कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद द कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दोनों बना हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए आप दोनों में से किसी एक पर नंबरिंग कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 1, 2, 3 और 4 कॉलम बी वाले में मैंने 1, 2, 3, 4 की नंबरिंग की है, ठीक है ना। अब इसमें जो मैच होगा कॉलम ए में से, मैं यहाँ पर शुरुआत में उसको लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लाइन बनाकर मैच नहीं कर पाएंगे, स्पेस नहीं है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है मिल्क कर्ड पनीर एंड घी। ये एक्चुअल में क्या है, देखिए मिल्क कर्ड पनीर एंड घी ईट अदर एनिमल्स, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मिल्क कर्ड पनीर और घी दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते हैं। सेकंड, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ये भी गलत है इसका। थर्ड वाले में देखिए मिल्क कर्ड पनीर एंड घी आर वेजिटेबल, ना ये भी गलत है। मिल्क कर्ड पनीर एंड घी आर एनिमल प्रोडक्ट, ये वाला इसका सही है, चौथा वाला। तो ए वाले का जो सबसे पहला है इसका राइट आंसर है 4 वाला, बी वाले का जो 4 वाला है ये वाला, ये इसका राइट आंसर है। सेकंड नंबर पे देखिए स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट, ये तो हो ही गया अपना, इसको तो देखेंगे नहीं अपन। स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट ईट अदर एनिमल, रॉन्ग। स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, नो। स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट आर वेजिटेबल, ये वाला इसका सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड वाला कॉलम नंबर ए के सेकंड वाले के साथ कॉलम नंबर बी का थर्ड वाला बैठ रहा है। लाइन कैसे बनेगी, स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट आर वेजिटेबल्स, स्पिनच कॉलीफ्लावर और कैरेट ये सब क्या है, वेजिटेबल है। थर्ड नंबर पे देखिए लॉयन एंड टाइगर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इन दो के बीच में देखना है लॉयन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल, लॉयन एंड टाइगर ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो ये गलत है, ये सही है फर्स्ट वाला। लॉयन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स, लॉयन और टाइगर जो होते हैं वो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास में लास्ट जो बचा है ये हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, इसका आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी ये वाली टेबल यहाँ पर सॉल्व होती है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। और हाँ एक चीज़ और, आप प्रैक्टिस करने के लिए जब ये देखिए आप किसी भी चैप्टर को रीड करते हो तो हमको तो लगता है कि हमने अच्छे से रीड किया है, लेकिन अच्छे से रीड हुआ कि नहीं हुआ ये आपको टेस्ट देने के बाद ही पता पड़ता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल शीट का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो गूगल शीट पर जाइए, अपना नाम लिखिए, वहाँ पर एक शीट ओपन होगी, ठीक है ना। उसमें मैंने लगभग 20 या 25 अराउंड क्वेश्चन है उसमें, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे, आप उसको रीड कीजिए, उसका आंसर लगाइए, और हाथों हाथ ही आपको आपका रिजल्ट वहीं पर आपको शो हो जाएगा, तो आपको पता पड़ पाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम ब्लैंक क्वेश्चंस, जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनमें एक्चुअल में क्या होता है, एक पूरी की पूरी लाइन दी हुई होती है, ठीक है ना। वो लाइन आपको बुक में से दी हुई होगी, और अगर बुक में से नहीं दिया तो उस बुक को पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया है उस बुक्स में से, उसी लाइन में से आता है। और यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर बीच में मिसिंग होता है, तो उस मिसिंग वर्ड को आपको याद करके लिखना होता है। अभी आप जैसे अर्ली क्लासेस में हैं, लगभग क्लास 6 आपकी अर्ली मानिए आप, तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए नीचे या ऊपर इस तरीके से वो आपको राइट वाले जो वर्ड्स होते हैं वो देता है। इनका ऑर्डर बिल्कुल वैसे नहीं जैसे ए वाला है जो सबसे पहले आएगा, बी वाला सेकंड पे आएगा, ऐसा नहीं है, ये इंटेंगल टाइप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इनमें से ही चूज करना है और यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला है टाइगर इज अ, उसके बाद स्पेस है बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, टाइगर इज अ, इसके बाद स्पेस है बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो यहाँ पर इनमें से क्या आएगा, देखिए हर्बीवोर प्लांट मिल्क शुगर केन या कॉर्निवोर, यहाँ पर आएगा इसका आंसर कॉर्निवोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लैंक में लिख देंगे CARNIVORE कॉर्निवोर, ठीक है ना। ये हमारा पहला वाला आंसर हो गया, टाइगर इज अ कॉर्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, टाइगर एक कॉर्निवोर है क्योंकि वो सिर्फ मीट को ही खाता है। सेकंड वाले देखिए डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट कॉल्ड, अब जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा हर्बीवोर, ठीक है ना, ये भी आपको यहाँ यहीं से देखकर लिखना है, ठीक है। देखिए ये वाला अपना आंसर है। थर्ड वाला देखिए पैरेट ईट्स ओनली प्रोडक्ट, पैरेट जो होता है वो क्या खाता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PLANT प्लांट, ठीक है ना।
फोर नंबर पे देखिए द स्पेस दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ बफेलो एंड गॉट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। दो चीज़ें बची हैं, मिल्क और शुगर केन। शुगर केन हमको बफेलो और काउ से मिलता नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मिल्क। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे मिल्क। द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ बफेलो एंड गॉट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। एंड द लास्ट देखिए आप, लास्ट वाले यही बचा है, ठीक है ना? इसका आंसर ही मिल्क हो गया। तो लास्ट वाला शुगर केन यहीं पर आएगा, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है ना? वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। इस तरीके से हम अपने ब्लैंक वाले क्वेश्चंस को बहुत ईजिली हम पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम बहुत आसानी से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा क्वेश्चन में जो पेपर में जो कि आंसर आपको वही दिए होते हैं, ये उनमें से ही है, आंसर दिया हुआ है, आपको बस सही आंसर को फाइंड आउट करना है और उसको सही प्लेस पर अरेंज करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।